नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मोदी सरकार बनाम ममता सरकार की लड़ाई कुछ ऐसी छिड़ गई है जैसे दोनों अलग अलग संविधान से चलते हो या फिर एक दूसरे के दुश्मन हो। सीबीआई एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी कल रात से धरने पर बैठी है। बीजेपी ने जवाब में भी पलटवार करके कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही। बंगाल को लेकर यह पूरा ड्रामा कल शाम से शुरू हुआ जब सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी। राजीव कुमार पर सीबीआई चिटफंड घोटाले के अहम सबूत दबाने का आरोप सीबीआई लगा रही है। राजीव कुमार उस एसआईटी के प्रमुख थे जो चिटफंड घोटालों की जांच कर रही थी। बाद में मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शारदा और रोजवैली जैसे चिटफंड घोटालों की जांच अपने हाथ में ली। चिटफंड घोटालों को लेकर टीएमसी के कई नेता और करीबी जांच के दायरे में। पहले भी टीएमसी के सांसद तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार तक सीबीआई पहुंची तो ममता बनर्जी ने इसे देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया। ममता बनर्जी को राहुल गांधी समेत लगभग पूरे विपक्ष का साथ मिला, लेकिन बीजेपी ने राहुल को उनका मई 2014 का वो ट्वीट याद दिलाया जिसमें उन्होंने चिटफंड घोटाले में ममता सरकार पर हमला बोला था। और सिर्फ ट्वीट में नहीं बल्कि चुनावी रैलियों में भी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर ममता बनर्जी थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप 2012, 2013, 2014 को देखेंगे तो पहले नरेंद्र मोदी के निशाने पर सीबीआई थी, फिर ममता बनर्जी के निशाने पर सीबीआई थी और फिर राहुल गांधी के निशाने पर ममता बनर्जी थी। इसलिए आज दंगल में हम सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि सीबीआई की जांच पर राजनीति क्या ममता बनर्जी कर रही है? सीबीआई के कंधे पर क्या नरेंद्र मोदी 2019 की लड़ाई लड़ रहे हैं? असल में लोकतंत्र को नहीं बल्कि सबको अपना अपना अस्तित्व बचाना है। क्या मोदी के विरोध में विपक्ष ने सीबीआई को मोहरा बना लिया और क्या तृणमूल कांग्रेस चिटफंड घोटालों में फंस गई? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा, लेकिन उसके पहले जरा देख लीजिए राजनीतिक बयानबाजी इस पर आज कैसे हुई। ये जो भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संघीय ढांचा कोलैप्स कर रहा है और राजनीतिक दुर्भावना हो रही है, तो पहले उनको एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना पाप है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई अगर बड़ी संख्या में हजारों करोड़ में रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, जहां छोटे निवेशकों के पैसे लूटे गए, उसकी जांच करना क्या पाप है? एज एन इंडिविजुअल यस आई बिलोंग टू टीएमसी, बट एज एन इंडिविजुअल मैं सीबीआई को एक्यूज करने को पहले मैं नरेंद्र मोदी को एक्यूज करने चाहते हैं कि सीबीआई इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम। वो उनको जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर दे रहे हैं ये सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बल्कि ये डायरेक्टली पीएम हाउस से हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबको डरा रहे हैं, जैसे कि इमरजेंसी चल रहा है, एनार्किज्म। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन पार्टी अपोजिशन को खत्म करके ये दिखते ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्य खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। सभी संस्थाओं को अगर इस ढंग से गैर इस्तेमाल करेंगे और सभी संस्थाओं से अगर दबाव डालेंगे, लोग झुकने वाले नहीं है, कोई पार्टी झुकेगी भी नहीं। कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है जो समाज में व्यापक क्लाउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से, कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। एक
देखिए प्रदीप नौचा, सीबीआई इज ए इंडिपेंडेंट एजेंसी, नाम रहना नहीं रहना ये तो कोई परसेप्शन होता है, रियलिटी में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो होता है वो होता है। बीजेपी हमको सील करना नहीं है, 2015 में हमको पूछताछ के लिए बुलाया है, उसके बाद हम दो बड़ों तृणमूल में थे, अब 2016 में तृणमूल का चुनाव किया है, तो बीजेपी का कोई मोटिव रहता तो हमको उस टाइम सीबीआई बोलता है, लेकिन सीबीआई को गवर्नमेंट और बीजेपी का तरफ से कुछ बोलता नहीं है। देखिए ये हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में इस तरीके की घटनाएं पहली घट रहे हैं जहां एक सूबे की सरकार वो मदद दे रहे हैं अपने पुलिस को कि सीबीआई की ऑफिसर को सारे हिरासत में ले लिया जाए, क्योंकि सीबीआई की जो ऑफिसर वो वहां जाके जांच कर रहे हैं एक घोटाले के मामले में, जिस घोटाले के चलते बंगाल में लाखों की तादाद में लोग सब कुछ खो बैठे हैं और जिस जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हो रहे हैं, ये नज़ारा हम लोग कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं, तो इसलिए बंगाल में अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुके हैं। तो सुना आपने, कांग्रेस के ही बंगाल के नेता ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहिए राष्ट्रपति शासन, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आज पवन खेड़ा हैं, बीजेपी से नलिन कोहली हैं, जेडीयू से अजय आलोक हैं, सीपीआई से हमारे साथ अमीर हैदर जैदी हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ हैं मनोजीत मंडल, और हमारे साथ हैं शांतनु सेन, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं सीबीआई के। आप सबका स्वागत है दंगल में। उम्मीद करता हूं पहला कमेंट कम से कम सब एक दूसरे का शांतिपूर्वक सुने बगैर किसी इंटरवेंशन के, उसके बाद जब डिबेट में सब अपनी अपनी बात एक बार रख ले तब आप एक दूसरे पर कटाक्ष टिप्पणी सवाल जवाब कर सकते हैं, और उम्मीद करूंगा उसमें भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सम्मान का ध्यान रखते हुए बात की जाएगी। सबसे पहले मेरा सवाल मनोजीत मंडल आपसे है, धरना कब तक चलेगा, लोकसभा चुनाव तक क्या? जी आपने सीबीआई का पिटीशन पढ़ी है? सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज किए हैं वो पिटीशन आपने पढ़ी है? सीबीआई ये सीबीआई का पिटीशन है या क्या पॉलिटिकल पिटीशन है? ममता बनर्जी कैसे धरना करेगी, सीबीआई तय कर देगा, और सीबीआई को कौन डिफेंड कर रहा है? अभी आप सब दोस्त, सब बड़ा बड़े मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर आर दे स्पोक्स पर्सन ऑफ द सीबीआई? अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैन द सीबीआई वर्क इंडिपेंडेंटली? आप पूछिए सवाल, सभी बड़े बड़े मिनिस्टर मीडिया में आकर भाषण दे रहे हैं और आप लोग कह रहे हो कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वेयर इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द सीबीआई? हु आर मेकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द सीबीआई? इट इज ऑल द मिनिस्टर्स, दे आर डिफेंडिंग। एंड वो जो लाल डायरी, नील डायरी, काला डायरी, पीला डायरी के बात आप कर रहे हो, ये सबको कैसे पता चला कि वह लाल डायरी था? ये सब थे क्या इन्वेस्टिगेशन में, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था? ये सब पूछिए सवाल। और आप पिटीशन देखिए, पिटीशन में क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, आप जब 2017 बहुत बार ये ऑर्डर के बारे में आप सोचे, अभी वहां से पढ़ रहा हूं हम पिटीशन, ये लिखा है कि इन टैंडम ये लोग काज करेंगे एक साथ। सीबीआई वालों को जब कलकत्ता पुलिस बुला रहे थे, सीबीआई वालों सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में यह ऑर्डर दिया है कि कलकत्ता पुलिस सीबीआई को नहीं बुलाएंगे बल्कि इन टैंडम दोनों काज करेंगे। टैंडम का मतलब समझते हैं आप, कंधे में कंधा मिला के एक साथ काम करेंगे। ये द लास्ट ऑर्डर 2018 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अरे सीबीआई से, सीबीआई का पिटीशन से पढ़ रहा हूं, देखिए टैंडम का मतलब ये नहीं है कि आप कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के घर पे जाओ, और अभी यह एफिडेविट में बोला है 25 लोग गए थे, मान लो 40 लोग नहीं गए थे, 25 लोग, दिस इज एफिडेविट ऑफ द सीबीआई, सीबीआई पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट फाइल टुडे, 25 लोग आप जाते हो टैंडम में काम करने के लिए, और ये पूरा आप देख रहा हो कि वो लोग गए हैं सीबीआई को बोल रहे हैं, मिनिस्टर भी बोल रहे थे राजीव कुमार जी को अरेस्ट करने के लिए गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? यू पीपल वर्क इन टैंडम विथ ईच अदर। चलिए प्लीज डोंट मिसलीड दिस कंट्री। हो गया, अब सवाल पूछूंगा आपसे। आंसर माय क्वेश्चंस, हु आर द पीपल डिफेंडिंग सीबीआई? Who are speaking for the CBI? Who are the spokesperson of the CBI? अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। Who are the spokesperson of the CBI? अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। Who is defending CBI? अरे बात तो सुन लीजिए, अब इतना तेजी होने की जरूरत नहीं है, आराम से जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं सब लोग। सवाल ये है,
अगर मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको एतराज है तो राजीव कुमार को ममता बनर्जी धरने पे साथ लेके बैठी है। राजीव कुमार टीएमसी की पर्ची कटा के सदस्य बने हैं क्या, या ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं वो जिनके लिए बैठी है वो धरने पर? ओ, इसीलिए आपका एतराज है भाई। मेरा सवाल है, आपका एतराज है, मेरा सवाल है, मेरे को एतराज नहीं है। जब आप कंधे बिठा घूमे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी जवाब दे रहा हूं, आप बीजेपी का सवाल पूछ रहे हो, जवाब दे रहा हो, सुनिए। क्यों, जब कांग्रेस का सवाल पूछता हूं तब तो बड़ा मजा आता है आपको। शी इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड मिस्टर राजीव कुमार टेक्स कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड, अरे सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द ऑफ कोलकाता। और अब किसी इस तरह से आप जाओगे तो ममता बनर्जी शी इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनके अंडर राजीव कुमार काम करते हो, नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? और वो धरने पे लेके जाएंगे उसके बाद। बैटेलियन होम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। आपने सांसद गिरफ्तार हुए तब तो उन्होंने धरना नहीं दिया था, सवाल पूछिए। लेकिन ये अफसर गिरफ्तार हुए तो वो धरने पर बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द सीबीआई। क्यों, अपने सांसद पकड़े गए तब तो धरना नहीं दिया उन्होंने? हां, अफसर से पूछने गए तो धरने पर बैठ गए। जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इन टैंडम काम करो, इन टैंडम। अरे सीबीआई पिटीशन पढ़ो, इतना मत आने चुके, आपके पास है ना, उसको पढ़ लीजिए बैठ के। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए बैठ के, कोई बात नहीं। हमने पढ़ लिया आपसे जितना पढ़ना था, ठीक है, धन्यवाद। नलिन कोहली जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने उठाए। पहले पढ़ो, पहले हो गया ना, ठीक है, बस चिल्लाइए मत, बैठ के शांति से बैठिए। नलिन कोहली जवाब दीजिए उनकी बात का। मैं भी तो एडवोकेट भी नहीं। अरे सर प्लीज ना, ठीक है, मेरे को, मैं नहीं चाहता। मैंने बड़े शांतिपूर्वक सुना है, बैठिए आराम से, पढ़ लिया आपने, हमने सुन लिया। बोलिए नलिन जी। अब ऐसा मैं आशा करूंगा कि बीच में ना टोके, अगर टोके तो माइक सॉफ्ट कर दीजिएगा कि मैं शांति से सुन। सर हमारी उम्मीद है, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया कि पहला जवाब कम से कम सबको बिना टोके मिलने। सीबीआई टैंडम जो है 20 जी 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 बिल्कुल, इसीलिए मैं जानता हूं बाकी भी पैनलिस्ट ऐसे हैं जो नहीं टोकते मेरे, मैं इसलिए आशा जता रहा हूं। अभी जो है मनोजीत जी ने बहुत लंबा चौड़ा इन टैंडम 5 या 7 बार उन्होंने बोला, वो जस्टिस अरुण मिश्रा के जुलाई 2018 के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। उससे पहले जो दो टैंडम क्यों कहा कोर्ट ने, उससे पहले दो वाक्य पढ़ जाते तो शायद वो खुद इस जवाब को नहीं दे पाते। लिखा हुआ है, The interim order has been passed on 15 December 2017 that CBI officers shall not be called by the state police. It is not a happy state of affairs that CBI officers should be called by the state police. They have to work in tandem with each other. मतलब कलकत्ता पुलिस वो चीजें कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये नहीं होना चाहिए, एक साथ दोनों को करना चाहिए। साथ क्यों करना चाहिए? क्योंकि ओरिजिनल जजमेंट जो आया था वो 2014 के केस में, सुब्रत चट्टोराज के केस में, माननीय बेंच ऑफ जस्टिस ठाकुर में स्पष्ट किया गया कि सीबीआई नारदा शारदा घोटाले को देखेगी, और पश्चिम बंगाल की पुलिस, क्योंकि वो पहले उस घोटाले को देख रही थी, एसआईटी थी, वो सारे कागजात और जानकारी और सब चीजें सीबीआई को सौंपेंगे। सीबीआई रिपोर्ट नहीं करेगी, जो ये प्रयास किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि राजीव कुमार को कई बार बुलाया नहीं गया, लेकिन प्रश्न उठता है कि आप बताइए, जिस इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट ने कहा करने के लिए, जिस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई कर रही है, उसमें आज तक दस्तावेज क्यों नहीं दे रही? ममता जी की सरकार को किस बात का भय है कि बाहर जो ये तथ्य निकल जाएंगे बहुत गंभीर होंगे या उनके लिए बिल्कुल अंतिम चीज हो जाएगी? यहां पर हर रोक लगाई जा रही है सीबीआई के कार्य में, और सीबीआई अपने से नहीं गई, मोदी जी के कहने से नहीं गई, सीबीआई गई मोदी जी की सरकार बनने से पहले, ये मई 2014 का है। अब थोड़ा सा टीएमसी पे आ जाते हैं, लोकतंत्र की बचाव की बात कर रहे हैं। आपने खुद प्रश्न उठाया, कभी आपने देखा कि ममता जी ऐसे धरना पे किसी और के लिए नारदा शारदा में उतरे? एक अफसर के लिए उतरे हैं। क्यों? अफसर जो है ड्यूटी नहीं कर रहा है जो अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होना चाहिए। आगे बढ़िए, भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्रियों की लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जाती हेलीकॉप्टर की। और थोड़ा पीछे जाइए, आप याद करिए कि यहां पर आर्मी को भी टोल को मैनेज करने से रोका गया था, आर्मी को तंग किया गया था, आर्मी के लिए शब्द कहे गए थे। इस पश्चिम बंगाल में सीबीआई अपना काम नहीं कर सकती, लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठियां, रोहिंग्या, वो सब खुलेआम आ सकते हैं। वहां पर रॉ के ऊपर में इन्होंने आरोप लगाया था कि रॉ जो है बम ब्लास्ट कर रही है। मतलब ये सरकार कर क्या रही है? संघीय ढांचे का ये अर्थ नहीं है कि देश के अंदर में संविधान को कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए और कहिए मैं ढांचा हूं, मैं संविधान हूं। ओके, पवन खेड़ा,
पवन खेड़ा, मनोजीत मंडल प्लीज, मजाक नहीं चल रहा है सर, मजाक नहीं चल रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि वहां मजाक कर रहे हैं आप लोग, बैठ के माहौल बना रहे हैं, बना लीजिए, पर सर टीवी पे कम से कम सीरियस पोर्ट्रे कर लीजिए। नहीं भी है तो अरे घुस पे कम से कम दिख ही जाइए सीरियस, कम से कम अगर है नहीं तो। देखिए क्या है ना, आप पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि मैं पार्टी से उम्मीद करूं कि वो आपको थोड़ी सी तमीज सिखा दे कि टीवी पैनलिस्ट के तौर पे कैसे प्रेजेंट करना अपने आपको। लेकिन अगर आप प्रवक्ता नहीं है, समर्थक ही है, तो पार्टी की इज्जत का ख्याल रख लीजिए कम से कम। ये बैठ के आराम से सुन लीजिए बाकी पैनलिस्ट को, उसके बाद आपके पास आऊंगा। लैंग्वेज मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तमीज है बैठने की बात करने की तो कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। बैठ के हाँ ही मत कीजिए, प्लीज माइंड बात हो रही है यहाँ पर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। यस, शांति से बैठिए। यस यस, ऐसा है मनोजीत मंडल, शांति से बैठ जाइए बस। पवन खेड़ा जी बोलिए अपनी बात। जी देखिए, इस सरकार के तहत आने वाली एजेंसियों पर लोगों का भरोसा बहुत पहले उठ गया। और जो सबसे बड़ी बात तो वो थी कि जब दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय पे दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे रात को कब्जा कर लिया, तब तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के जावड़ेकर जी को और रविशंकर प्रसाद जी को नहीं सूझी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। दिल्ली पुलिस सीबीआई मुख्यालय पर आधी रात को एक तख्ता पलट कर रही और कैसे आलोक वर्मा का दरवाजा तोड़ना है और उसमें से क्या क्या 2 घंटे में हटाया, क्या क्या फाइलें हटाई, किसी को नहीं मालूम। आपने सीबीआई को पंगू कर दिया, आपने सीबीआई की जो विश्वसनीयता थी जितनी भी थी वो बर्बाद कर दी। अब हाईकोर्ट कलकत्ते के एक ऑर्डर है जो कल तक के लिए स्टे लगा हुआ है, कल उस पर हियरिंग है कि राजीव कुमार की से ना पूछताछ हो सकती है ना उसकी जांच हो सकती है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है। सीबीआई को क्या सूझी थी, 2 दिन बाद चले जाते, कागज साथ में लेकर जाते। और मैं भी सरकार का हिस्सा रहा हूं, नलिन कोहली जी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, आप रोहित सरदाना जी आपने ऐसे कई केसेस देखे हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। एक बात बताइए, एक पर्टिकुलर क्लास जो अधिकारियों की होती है उनके खिलाफ जांच, उनकी पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नहीं हो सकती। दो चीजें, एक तो हाईकोर्ट का स्टे, दूसरा ऐसा कोई ऑर्डर ये लेकर नहीं गए। एक व्यक्ति की पूछताछ, वो भी अंडर 160 एज अ विटनेस, नॉट एज एन एक्यूज्ड, एज अ विटनेस उनसे पूछताछ करने के लिए 40 सीबीआई के या 25 मान लेते हैं, आज ये 25 बोल रहे हैं, 25 अधिकारी पहुंच जाते हैं रविवार के दिन, जब वो खुद कई बार लिख चुके हैं कि मेरे ऑफिस में आइए मुझसे बात कर लीजिए, स्टे लगा हुआ है नहीं जा सकते। 3-3 कारण, और सुप्रीम कोर्ट की बात बार बार नलिन कोहली जी भी बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था वी डू नॉट फॉर द प्रेजेंट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ मॉनिटरिंग टीम। कोई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो यह भी मिसलीड किया जा रहा है। आप ये बताइए, मुकुल रॉय अचानक गंगा नहा लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बाबुल सुप्रियो, हेमंता बिस्वा शर्मा, 3-3 लोगों पर शारदा पर के आरोप हैं चिटफंड घोटाले के, वो तीनों क्योंकि सरकार के साथ हैं या सरकार का हिस्सा हैं, वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, अब उनके उनका कोई नाम नहीं ले रहा। और आप याद रखिए, अक्टूबर 2018 में रोहित सरदाना जी, आप ही के चैनल पे मैंने भी सुना था, कैसे कैलाश विजयवर्गीय फोन पर बात कर रहे हैं मुकुल रॉय से कि सीबीआई अधिकारियों के द्वारा बंगाल की पुलिस अधिकारी को डराया जाए तो खुद कुछ काम बनेगा, ये संदेशा अमित शाह को दे दो, ये मुकुल रॉय बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय को। अखबारों में छपा, ऑडियो क्लिप जारी हुई और मुकुल रॉय ने माना कि आवाज उनकी और कैलाश विजयवर्गीय की है। तो ये हो क्या रहा है, क्यों सीबीआई को इस तरह से आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ यूज कर रहे हैं। देखिए, शारदा पर जांच हो ये हमारी शुरू से मांग रही है, 20 लाख लोगों का, आम आदमी का पैसा उसमें लगा हो, हम भी मांग करते आए, पहले भी कई बार कहा कि बिल्कुल जांच हो, लेकिन जांच के पैमाने होने चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच नियमानुसार होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात कि मेरे पूछे अभी को जल्दी क्या थी। आपने 2014 के अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयानों को खुद ही कह दिया कि हमने मांग की है, अच्छी बात है, लेकिन सर आपने जहां से शुरू किया मैं वहीं जा रहा हूं। आपने कहा कि इस सरकार ने सीबीआई जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता को छिन्न भिन्न कर दिया। सर आपकी सरकार में तोता कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को, तो छिन्न भिन्न तो आप तभी करके चले गए थे। या अधिकार आप अपने पास सीमित रखना चाहते हैं। सीबीआई की जो स्थिति में, जैसा कहा, जितनी विश्वसनीयता बची थी
नहीं मैं बिल्कुल नहीं 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 मैं आपसे बड़ी खुलकर बात करने की मेरी आदत है, आप भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस परिवेश किस परिपेक्ष में वो कहा वो दिन और आज का दिन आप देखिए, कभी ऐसा हुआ कि आधी रात को सीबीआई मुख्यालय पे दिल्ली पुलिस का कब्जा हो जाए? खेड़ा जी फिर तो सारे परिपेक्ष बदल गए, पूरा मुख्यालय सील हो जाए और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या निकाला जा रहा है। खेड़ा जी देखिए आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, मुझे पुलिस का मन करता नहीं रोहित भाई, लेकिन सर आप कह रहे हैं परिप्रेक्ष्य अजीत डोभाल का नाम आ रहा है, जांच में हस्तक्षेप करते हैं। सर देखिए ना परिप्रेक्ष्य तो राहुल गांधी के भाषण का बदल गया, बिल्कुल नहीं उसका परिप्रेक्ष्य उसके पीछे ममता बनर्जी के भाषण का बदल गया जिसमें वो कहती थी कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर मेरे पीछे सीबीआई छोड़ रहे हैं। परिप्रेक्ष्य उससे एक साल पीछे नरेंद्र मोदी के भाषण का बदल गया जिसमें वो कहते थे मुझे हटा के 356 नहीं लगा सकते इसलिए मेरे पीछे सीबीआई छोड़ दी है। तो परिप्रेक्ष्य तो सर सारे ही बदल गए। परिप्रेक्ष्य कुल मिला के इसका मतलब यह है कि चुनाव लड़ना है 2019 का, सीबीआई का कंधा मिले सीबीआई का कंधा सही चलो इसी पर लड़ लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया, नहीं मैं बिल्कुल समझ गया रोहित जी आपकी बात बिल्कुल सही तरह से मुझे समझ में आई, मैं उसका उत्तर देता हूं। मुझे सिर्फ इस बात का उत्तर नलिन कोहली जी दे दें, क्या इतिहास में 71 साल में ऐसा हुआ कि आधी रात को सीबीआई के डायरेक्टर का तख्ता पलट? और अजीत डोभाल का क्या क्यों उसका क्या भूमिका रही कि केसेस में हस्तक्षेप करे? सीवीसी खुद आलोक वर्मा के घर जाकर कहते हैं कि भैया मेरा ये अस्थाना का जरा ठीक कर दो, क्या कॉन्फिडेंस एसीआर ठीक कर दो, मैं आपका सब ठीक कर दूंगा। ये क्या खरीद फरोख्त हो रही थी इस सरकार में? आला अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी मोइन कुरैशी के मामले में हस्तक्षेप क्यों हो रहा था? ये और सब कुछ खुलकर सामने हो रहा है, जब ये घबरा गए तो रात को 2 बजे सील कर दिया। ओके मैं अजय आलोक के पास जाना चाहता हूं। सील कर दिया सीबीआई मुख्यालय, लेकिन उसके पहले का तीसरे नंबर का अधिकारी सीबीआई के दूसरे नंबर के अधिकारी का फोन टैप कर रहा है, ये क्या हो रहा है? ठीक नलिन कोहली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके आरोपों को, नलिन कोहली जवाब दे दीजिए आप। उसके बाद अजय आलोक आमिर हैदर जैदी और शांतनु सेन साहब से पूछेंगे ना खुद सीबीआई क्या कहती है, बोलिए। एक सबसे अद्भुत बात है, हाँ तो एक अति अद्भुत बात है, सबसे अद्भुत बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हर विषय को जो एक आरोप लगाती है उसे वो सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मरती है, कूड़े के डब्बे में वो चले जाता है, फिर टीवी की डिबेट के माध्यम से उसको जीवित करने का प्रयास करते हैं। अजय आलोक वर्मा के पूरे केस की सारी बातें जितनी चीज कही जा सकती थी कही गई सुप्रीम कोर्ट में, अंततः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट ने इसको सुना है, जो बातें थी वो वहां हुई, उसके बाद जजमेंट हुआ, आलोक वर्मा अब वहां रहे नहीं, नए नियुक्त हो गए। तो मतलब जो प्रश्न आज उठा रहे क्या वो कोर्ट में नहीं गया? तो आज ये वही उसी परिस्थिति में कांग्रेस आ गई है जो इसकी हमेशा इमरजेंसी की मानसिकता है कि कोर्ट का आदेश हमें पसंद आए तो बहुत बढ़िया कोर्ट है, कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आए तो हम तो इंपीचमेंट भी करेंगे चीफ जस्टिस का, धमकाएंगे कोर्ट को, आलोक वर्मा को आपने फिर घबरा के आलोक वर्मा को हटाया, आपने तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको अच्छी तरह डांट पिलाई कि आपने आलोक वर्मा को हटाया कैसे आधी रात को, वो तो हमने भी सुना, आपने भी सुना। पवन जी मैंने जिस तरीके से पवन जी मैंने टोका नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई इसमें। नहीं नहीं पवन जी फिर मैं भी आपके ऊपर बोलूंगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पवन जी, एक मिनट मैंने आपको टोका नहीं, सरदाना जी ने शुरू में कहा ये जो है, देखिए पवन जी अगर ऐसी बात हुई आपने बहुत अनाप शनाप बातें कही, आपने बहुत बेबुनियाद बातें कही, मुझे यही अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप और बेबुनियाद बातें कहेगी, लेकिन ये इसे अगले लेवल तक ले जाना कि मैं अपने तर्क ना रखूं उसमें बीच में टोकना तो नहीं है, मैं अपनी बुनियाद रख रहा हूं, आप अपने रखे आपसे मुझे सर्टिफिकेट अरे पवन जी प्लीज थोड़ा सा आप सभ्य आदमी है सर, उस तरीके से तो आप बताइए ना, राहुल गांधी जी जो है बेल में निकले हुए हैं ये बताइए जेल जाने की स्थिति में है, क्यों उन्होंने इनकम टैक्स के क्यों 600 करोड़ रुपए आज तक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाई कोर्ट तक हार गए सर, राहुल गांधी को ले जाइए जेल, रॉबर्ट वाड्रा को ले जाइए जेल, दिक्कत क्या है सारी जेल टीवी पर ही होती है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती, किसी को जेल आपकी राजनीति गई सर, लड़िए मत, राहुल गांधी पर आप फर्जी केस लगा, अजय आलोक के पास जाओ, बेल उसका अधिकार छोड़िए, बेल लेने नहीं जाए, अच्छा एक सेकंड, बेल पे होना सर, हमारे देश में सम्मान ममता बनर्जी को डर लग रहा है या केंद्र सरकार को बीजेपी को डर लग रहा है? देखिए रोहित जी ये जो आज सिचुएशन हुआ है कल से ये कहीं से देश के लिए ठीक नहीं है,
और अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सब विपक्ष सीबीआई को हमेशा तोता बोलते हुए आया है। अभी पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि सीबीआई तोता हो गया जिस ढंग से यूज किया है। हमने देखा है कि पूर्व के सीबीआई डायरेक्टर में चाहे वो जोगिंदर सिंह रहे हों चाहे रंजीत सिन्हा रहे हों, कांग्रेस के रिजीम में उनकी भी क्या हालत हुई थी जो अभी आलोक वर्मा का रीजन स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऐसे भी डायरेक्टर थे सीबीआई में। समस्या ये है कि देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर उस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजेंसियां काम कर रही हैं, काम इसलिए कर रही हैं कि कोई ना कोई चीज का उनको सबूत मिला है। आप कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों काम कर रहे हो, आप कौन होते हैं व्यवस्था तय करने वाले कि सीबीआई कैसे काम करे? 25 आदमी क्यों गए, 40 आदमी क्यों गए, 10 आदमी क्यों गए? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना, कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई भी जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट को वेस्ट बंगाल सरकार भी जवाब देगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने लतार दिया दोनों पक्ष में से किसी को, तो क्या दूसरा पक्ष अपनी गलती मानेगा? और यह देश में जो संवैधानिक एक संकट पैदा करने का आर्टिफिशियल संवैधानिक संकट बनाया हुआ कृत्रिम जो करने की कोशिश की गई, क्यों? जस्ट बिकॉज इसलिए कि राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ नहीं कर पाए। अगर वो भ्रष्ट है या नहीं ये तो फैसला बाद में होगा, लेकिन अगर उनसे पूछताछ हो जाती, वो खुद इंडियन पुलिस सर्विसेज पुलिस मैनुअल के तहत चलने वाले एक ऑफिसर कैसे ममता दीदी के साथ धरने में बैठे हुए हैं, इस पे तो कोई जवाब दे रहा ही नहीं रहा है। सब कह रहा है कि सीबीआई गलत हो जा रही है। क्यों हो रहा है ये इलेक्शन आने वाले हैं एक महीने। आज नीतीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि खत्म होने दीजिए 10 मार्च ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन 10 मार्च तक इस देश में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देश की तो चिंता है नहीं, संवैधानिक मूल्यों की चिंता है नहीं। चिंता क्या चीज की करनी है, वोट की करनी है। ममता दीदी शहीद बनेंगी, सीबीआई एक बलि का बकरा बनेगा। आपको कहा था किसने नारदा शारदा करने के लिए, जब कर दिया आपने तो आज बचा क्यों नहीं है? ऐसे तो बंगाल की शेरनी बन रही है, नेता शेरनी होता है, नेता अपने कार्यकर्ता को प्रोटेक्ट करता है। आज तक तो अपने एमएलए एमपी अपने कार्यकर्ता को तो प्रोटेक्ट करने गई नहीं, उतर गई एक ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर को किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है क्या अगर वो गलत नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं एक देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा आप क्यों गलत कर रहे हैं। नेता हैं आप, उस पोजीशन में हैं, तो आप गलत क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, अंतिम में एक बात और कहना चाहूंगा, घाव जब नासूर बन जाता है ना तो उसको अच्छी तरह से खुणच के साफ किया जाता है, उसमें बहुत दर्द होता है। और आज यही दर्द उन तमाम पॉलिटिशियंस को, उन तमाम अधिकारियों को हो रहा है जो कहीं ना कहीं गलत कार्यों में लिप्त है, और ये दर्द होते रहेगा। ये दर्द हटने वाला नहीं है, दर्द होगा क्योंकि सफाई तो शुरू हो चुकी है। ओके, मैं शांतनु जी के पास जाऊं, उसके पहले अमीर हैदर जैदी, लेफ्ट की एक रैली हुई, लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी रैली हुई। उसके पहले पीएम मोदी की रैली हुई जिसमें कहा गया कि भगदड़ हो गई, ऐसी स्थिति आ गई कि पीएम को अपना भाषण छोटा करना पड़ा। और बहुत से लोगों का यह मानना है कि कल ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के काडर को मोबिलाइज करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया क्योंकि सामने चुनाव खड़ा है। देखिए रोहित जी, शारदा घोटाले के सारे आरोपी तो बीजेपी के अंदर हैं, अगर घोटालों की बात की जाए। और भ्रष्टाचार के ऊपर अगर हमारे मित्र बीजेपी वाले इतने ही सीरियस हैं तो जन लोकपाल कहाँ है, 4.5-5 साल हो गए, तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, निशाना तो कहीं और है। निशाना ये है कि किसी तरह से बंगाल के अंदर ये दिखाया जाए कि बस दो महान ताकतें यहाँ मौजूद हैं, एक बीजेपी है और एक टीएमसी है, और ये अपना एजेंडा इसमें दिखाना चाहते हैं। और बीजेपी को भी ईगो की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिटलर वर्सेस हिटलर ये दंगल चल रहा है, फासिस्टवाद वर्सेस फासिस्टवाद है। आपने मान लिया अपना 3 में ना 13 में, सुन लीजिए हम 3-13 में हैं, हम जब भी तो बता रहे हैं आपको। बीजेपी की रैलियों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे थे ये कमिश्नर साहब, अड़ंगा डाल रहे थे, ये भी फासिज्म था, हम उसे पहले कह चुके हैं। हर आदमी को रैली करने का अधिकार है, भाषण देने का, अपने विचार रखने का अधिकार है। तो अगर ये कहा जाए कि सीबीआई इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, तो बंगाल की पुलिस भी टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। तो मसला ये कि बचा क्या, लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र को बचाने की जो बात करते हैं उन्हें फिर दूसरे श्रेणी में रखा जाता है। आप बखूबी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी और सपा का गठबंधन होता है तो वहां भी सीबीआई पहुंच जाती है। बिहार के अंदर अगर विपक्ष की रैली होती है तो सीबीआई पहुंच जाती है। उसके बाद एक राज्य ने तो यह कह दिया कि हम अपनी सीमा के अंदर सीबीआई से कोई केस इन्वेस्टिगेट कराना ही नहीं चाहते। तो हालात इतने बदतर जब हो जाएं संवैधानिक संस्थाओं के, तो आप कहां जाएंगे, किन किन उसमें जाएंगे? और एक चीज और है, कांग्रेस ने सीबीआई को छिन भिन किया था मान लिया, लेकिन बीजेपी ने छिन हटा दिया, भिन्न भिन्न तरीके से उसका इस्तेमाल जरूर कर रही है।
चिन्ह हटा दिया, करा था कांग्रेस ने भी, उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन छिन हटा दिया, भिन्न भिन्न तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक, शांतनु सेन साहब बोलिए, आपको लगता है, आप मानते हैं कि सीबीआई को सरकार ने भेजा कि जाओ इस अफसर को पकड़ के लाओ जो हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहा? देखिए, पॉलिटिक्स अपार्ट, मुझे बात करने दीजिए प्रोफेशनली, अगर इजाजत है तो मैं बोलूं। बोले सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, जिस वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन हटा ली है, इसका मतलब ये नहीं है जो जो केसेस इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे वो बंद हो गए। तो सीबीआई को पूरी इजाजत है वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो केसेस दर्ज हो चुके हैं। शारदा घोटाला दर्ज हो चुका है, 2017 से सीबीआई, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता हैं राजीव कुमार, इनको नोटिस भेज रही है 160 की। किसी तरह इन दोनों की बात सीबीआई के साथ नहीं हो सकी। और मैं ये साफ करना चाहता हूँ, ये 160 की नोटिस किसी को भी भेज सकते हैं आप, वो एक्यूज्ड हो या विटनेस हो। कोर्ट ने कह दिया है कि एक ही तरीका है सीबीआई पुलिस को बात करने की, वो 160 नोटिस भेजने की। अब राजीव कुमार 2 साल से सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, गलती किसकी है मुझे पता नहीं। सीबीआई वाले उनके ऑफिस में क्यों नहीं गए या वो सीबीआई के ऑफिस में क्यों नहीं आए? अब 2 साल ये पोजीशन क्यों रहा? ये तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट है सीबीआई का। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सीनियर अफसर मिनिस्टर्स 160 के नोटिस नहीं मानते रहे, मैं सीधा कोर्ट पहुंचता था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं स्पेशल कोर्ट सीबीआई में जाता था, कहता एफआईआर आपके कोर्ट में दर्ज है, मैं आपके अधीन में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, और ये आदमी 160 की नोटिस नहीं सुन रहा है। आपको याद होगा एन राम ने भी 160 का नोटिस बोफोर्स में नहीं माना था, मान गया था। मैं भी कल्पनाथ राय जी ने जब मेरा नोटिस 160 का नहीं लिया, मैं सीधा कोर्ट में चला गया फौरन, मैंने 2 साल इंतज़ार नहीं किया। और कोर्ट ने हुक्म दिया कल्पनाथ राय जी को, आपको बात करनी पड़ेगी, अगर आप बात नहीं करते हैं तो कस्टडी में बात करेंगे आप। तो मैंने उनको कस्टडी में लिया। तो सीबीआई 2 साल से क्यों बैठी थी, ये एक बात सीबीआई को जवाब देना है। दूसरी बात है, सीबीआई और कलकत्ता पुलिस एक ही तरह के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता है और कोलकाता पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है, उन दोनों में तालमेल होना चाहिए। ये जो असंभव स्थिति है आज, ये कलकत्ता पुलिस और सीबीआई आमने सामने दुश्मन जैसे खड़े हुए हैं, ये कंट्री के लिए बहुत खराब है। मैंने इतने लोग जो पैनल में बैठे हुए, मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये दर्द समझे कंट्री का, आपस में आप लोग अपनी बात कर रहे हैं पर ये दर्द समझें कि दो एजेंसीज जो कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, कंट्री की इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है, वो आज आपस में खड़े हो गए। मैंने इतनी तफ्तीश की, मैंने पंजाब में की, महाराष्ट्र में की, वेस्ट बंगाल में की, मैं तो 4 आदमी 5 आदमी सीबीआई को लेके जाता था, और सारी मदद मुझे पंजाब पुलिस से मिली या कलकत्ता पुलिस से मिली या महाराष्ट्र पुलिस से मिली। मैंने बॉम्बे ब्लास्ट का केस किया, मैंने पंजाब में टेररिज्म का केसेस किया। ठीक। और आज ये स्थिति आ गई है कंट्री में। ठीक। यहाँ दोनों पुलिस की एजेंसी आमने सामने खड़े हैं। ओके। मैं दर्द समझिए, मेरा दर्द समझिए। ठीक। और इन लोगों को, सबको, पैनल वालों को मैं कहता हूँ, इस दर्द को समझिए और आपस में झगड़ा नहीं करके दोनों का तालमेल कराइए। ठीक। कंट्री में बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है सर। अगर ये दोनों एजेंसी आमने सामने खड़े हो जाए इस बात के लिए। आपकी बात पे कमेंट लेता हूँ। नलिन कोहली और पवन खेड़ा दोनों के पास आते हुए, नलिन कोहली पहले मेरा सवाल आपसे, क्या ये जिम्मेदारी सीबीआई की नहीं थी कि कम से कम एक कॉर्डियल एटमोसफेयर बना के रखते? तो
रोहित जी, पहले मैं ये आपके और आपके दर्शकों से अपना खेद भी प्रकट करना चाहूंगा। पवन जी जैसा बोले उनका अधिकार, लेकिन मैं अपने आप को पसंद नहीं करता कि मैं गुस्से से या किसी को बीच में रोकूं, तो मेरा वो डिबेटिंग स्टाइल नहीं, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न पूछा सीबीआई को, सीबीआई एक सीआरपीसी 156(1) में भी कोई कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल जो अपना जो केस होता है उसमें क्राइम में जा सकती है बिना कोई समन के, इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टली भी जा सकते हैं। जो बड़ी बात शांतनु जो कह रहे हैं तालमेल को लेकर, बिल्कुल स्वाभाविक है, ये तो सबसे उचित बात है। आज राजनाथ जी के भी बयान को ध्यान से आप सुनेंगे लोकसभा में, तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये संघीय ढांचे और देश के लिए अच्छी बात नहीं है, दोनों तालमेल से काम करें। लेकिन यदि अगर कोऑपरेशन ना मिले, आप कोऑपरेशन फोर्स भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको अपने इन्वेस्टिगेशन की जो क्षमता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और सीबीआई ऐसा, ये थोड़ी ना कि शारदा स्कैम एक पहला स्कैम है, देश में हर चीज जो सीबीआई कर रही है व्यापम को लेके, जो वहां उस समय के सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने सौंपी सुप्रीम कोर्ट को कि व्यापम में आप करिए इसको जांच, तारीफ शिवराज जी की भी हुई है, सीबीआई की भी हुई है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट देता है, अगर कोऑपरेशन स्टॉप कर लेंगे तो सीबीआई को लगा होगा कि हम फोर्स के साथ जाके कर लेंगे, लेकिन यह भी अपेक्षा किसी को नहीं है कि एक मुख्यमंत्री संविधान को भूल के एक सीबीआई एक पुलिस अफसर के घर के बाहर उनके लिए आकर धरना। नलिन कोहली जी, शांतनु जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि दो साल तक ये क्या कर रहे थे, अगर दो साल में इनको जवाब नहीं मिल रहा था, दो साल में वो अफसर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, दो साल में इन्होंने क्या किया? अचानक चुनाव के समय जाएंगे तो ये सवाल उठेगा ना। इसका मैं जवाब भी दे सकता हूं। हाँ ठीक है, स्वाभाविक है सवाल उठे, और मैं इसका एक कारण और कर सकता हूं। जो मेन जजमेंट है जस्टिस ठाकुर की, जो सुब्रत चट्टोराज केस जो है, जो 2016 की एससीसी में छपी है, उसमें आप पढ़ेंगे भी तो तीन चार इश्यूज हैं। एक था शारदा स्कैम का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपना, दूसरा है सीबीआई का कहना कि देखिए हमारे पास इतने लोग नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन आ गए, चिट फंड स्कैम का इन्वेस्टिगेशन बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है, 20-25 लाख लोग के संपत्ति होती है, कई 200 कंपनियां तो शारदा कंपनी के थे, हम मैन पावर चैलेंज थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डील किया कि मैन पावर बढ़ाने के लिए कई उन्होंने आदेश किए। एक आदेश ये भी था जिसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कहा था हम अपने लोग भी देंगे आपकी मदद के लिए सीबीआई को, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि इसको डबल करिए जो आप कह रहे हैं, ये कम है, सीबीआई को और ज्यादा मदद करिए। तो सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है, स्वाभाविक है सारे मेजर केसेस उनके पास जाते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है सीबीआई बता पाएगी कारण, मैं उनके लिए बोल नहीं सकता कि दो साल क्यों है, पर लेकिन ये भी एक फैक्टर रहा होगा। ओके पवन खेड़ा जी, चीजें कहां जा रही हैं आगे, अब लोकसभा तक यही चलेगा क्या? और राहुल गांधी ममता बनर्जी को फोन पे समर्थन दे देते हैं, महागठबंधन की रैली में भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी, इस बार भी बता रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं, फोन पे बता दिया, ट्विटर पे लिख दिया कि हम साथ हैं। रोहित जी, राजीव कुमार को कलकत्ता हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन मिली हुई है फरवरी तक, इस साल फरवरी तक, कल उसकी हियरिंग है। इस बात का उत्तर ना नलिन कोहली जी दे रहे हैं ना कोई और दे रहे हैं उनके सहयोगी दल के लोग। अरे जब कोर्ट से स्टे है तो 48 घंटे पहले मोदी जी और अमित शाह जी धमकाते हैं कि इस अफसर को देख लेंगे। नहीं नहीं, ऑर्डर आज सिंघवी साहब ने कोर्ट में रखा है, क्लियर, आज डॉक्टर सिंघवी हाई कोर्ट कलकत्ता का ऑर्डर ही तो आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रखा, और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी बोला है कि एविडेंस क्या है कि कमिश्नर पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंस, ये इसका सबूत तो दीजिए कि फाइल उन्होंने यहां वहां कर दी, सबूत दे नहीं पाए ये लोग, खाली हाथ गए थे आज। अरे जब आपके पास बहुत बड़ा सबूत था, मैं बोलूंगा, मैं कोर्ट में सुन के आ गया हूं सब कुछ, शायद उनको अपना वर्जन देने छेड़छाड़ कर रहे हैं फाइलों से या कागजों से। अरे साहब आपने अभी तो मुझे ज्ञान देने दे रहे थे कि बीच में बोलना नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा बीच में मत बोलिए। दूसरा, जब इस पर मुझे नहीं उत्तर मिल रहा कि मुकुल रॉय, बाबुल सुप्रियो और हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या, इसमें अब क्या करेंगे ये। तीसरा, जब आसाराम बापू को राज्य सरकार को सूचित करके पुलिस सीबीआई अरेस्ट करने गई मध्य प्रदेश में, तो प्रभात झा के नेतृत्व में धरना हो गया, सीबीआई को घुसने नहीं दिया आसाराम के आश्रम के बाहर, बताएं इनका जवाब दे मुझे नलिन कोहली जी, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, राजनीतिक भी हैं, बताइए कैसा हुआ। राम रहीम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खट्टर साहब को क्या फटकार लगाई, भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त क्या भूमिका रही, सरकार की क्या भूमिका रही, ठीक है।
और आप जब दिल्ली पुलिस का कब्जा कर ले सीबीआई मुख्यालय पे तब वो माफ है। चलिए और अगर बात का जवाब ले लेता हूं। पुलिस हाई कोर्ट के स्टे को साथ में रखकर तब तो आपको आपत्ति हो जाती है। तो आप खेड़ा जी इस बात से नियम तो एक रखिए, मतलब देखिए राजनीतिक समर्थन एक जगह है खेड़ा जी, राजनीतिक समर्थन एक जगह है, चुनाव का महागठबंधन एक जगह है। आप इस सूरत हाल से खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है ये बढ़िया हो रहा है, भले ही इसलिए कि हम सत्ता में नहीं है तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। देखिए सरकारें सीबीआई को रोक दे, वीजा पासपोर्ट लगे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पिछले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पिछले पांच साल में जो भी हो रहा है न मुझे अच्छा लग रहा है न आपको अच्छा लग रहा है, और मन ही मन तो मैं पूरा संतुष्ट हूं या आश्वस्त हूं कि नलिन कोहली जी को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेमी देशभक्त आदमी हैं, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे संस्थाओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आप देखिए जो स्टेटिस्टिकल कमीशन है उनके अफसर बाहर निकल कर आ गए, भाई हमसे नहीं हो सकता, ये तो पूरा आंकड़े ही तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आरबीआई के गवर्नर इनके साथ काम करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चार चार लोग बाहर आ जाते हैं, सीबीआई की हालत हमने आपको बार बार बताई, आपने देखी, तो आप बताइए किसको अच्छा लगेगा ये पांच साल में जो हो रहा है। आप तो अपने हिसाब से करा लेते हैं ना, महाभियोग का डर दिखा के कैसे अच्छा लगेगा, माफ कीजिएगा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नलिन कोहली जवाब दीजिए उनकी बात का, उसके बाद अरुण जेटली जी भी तो लाए थे तब वो सही था, हम ले आए तो गलत है। अरुण जेटली महाभियोग लाए थे या नहीं लाए थे इसका जवाब दे दीजिए। आप ही ने मुझे एक क्लॉज दिया सर परिप्रेक्ष्य वाला, तो मैं तो हर चीज को उसके परिप्रेक्ष्य में ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके परिप्रेक्ष्य में ठीक होता है उनके में गलत, अपने उनके में ठीक होता है में गलत, परिप्रेक्ष्य सूट करे, लेकिन देश का परिप्रेक्ष्य आप लोग नहीं देखते, अपना अपना देखते पास कि मेरी कुर्सी सही चलनी चाहिए। रोहित जी वो कानूनी हथियार अरुण जेटली जी के भी पास था, मैं तो अकेले आपके कह नहीं रहा हूं, हमारे पास भी आप अकेले अधिकार दिया है इसलिए अरुण जेटली जी भी लाए, उन्होंने भी गलत नहीं किया, हमने भी गलत नहीं, आप अकेले अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, मैं तो सभी पे कह रहा हूं, अरुण जेटली जी तो हर राजनीतिक पार्टी पे कह रहा हूं, वो भी गलत, अरुण जेटली जी ने ब्लॉग लिख के कहा सीबीआई को इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचरिज्म बचना चाहिए सर, उसका जिक्र तो मैं ही सुबह से कर रहा हूं आज बैठ के, और तो आपके नेताओं को शायद याद भी नहीं था। बहुत अच्छा कि जेटली साहब ने ऐसी बात से दे दीजिए सर, प्लीज थोड़ा रुकते हुए प्लीज। अरे रोहित सरदाना जी आपने मुझे याद दिला दिया, मेरी रिक्वेस्ट मान ले, 20 सेकंड और दे दीजिए, आगे आगे मैं दे दूंगा, अभी अभी के लिए मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, अभी के लिए मान ले, अच्छा याद दिलाया, आगे मैं आपको दे दूंगा पक्का रहा 10 सेकंड। अच्छा ठीक ठीक ठीक, नलिन कोहली जवाब दीजिए, अजय आलोक उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बोलिए जल्दी से नलिन जी, छोटा रखते हुए प्लीज जी। मैं जल्दी से नहीं, मैं छोटा ही रखूंगा, प्रयास करूंगा। देखिए ऐसा है, इन्होंने कई लोगों की बात की तो प्रश्न पूछने की आदत आदि है पवन जी, तो दो चार प्रश्न हमारे उसके जवाब दे दीजिए ना। राहुल गांधी जी और पूरा गांधी परिवार बेल पे है बाहर, तो दो केसेस है, नेशनल हेराल्ड का और एक इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के ऊपर में जो निकला है उसमें 600 करोड़ का डिमांड आया है जो हाई कोर्ट के डिविजन बेंच तक हार गए, अब सुप्रीम कोर्ट है, मतलब 90% प्रक्रिया में हर प्रक्रिया में हार गए हैं, तो इसका कुछ जवाब दे दीजिए कि इसका अर्थ क्या निकले, क्या इसमें मोदी जी का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, हर कोर्ट में, नीचे के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह जो है कांग्रेस का मानना है कि भी हाथ बीजेपी का है, तो ठीक है ना। नहीं नहीं दूसरी बात आई, नहीं नहीं आते जा रहा मैं, एक मिनट आराम से पवन जी, अब आपकी एडवाइस आपको कह रहा हूँ, ये मुझे एक बताएं, बोलने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा आसाराम जी और सबकी बात करें, तो क्या आप मानते हैं कि ममता जी और आसाराम जी एक ही गाड़ी में है? लो जी फिर शुरू हो गए, पूरा कर लीजिए, वो नहीं टोक रहे हैं। प्रभात झा जी और ममता जी दोनों ने अपने अपने हिसाब से ठीक किया, आप बोल दीजिए प्रभात झा ने गलत किया। एक एक नलिन जी पूरा कीजिए ना, आज आलोक वेट कर रहे हैं, बोल दीजिए प्रभात झा ने गलत किया, बोलिए भारतीय जनता पार्टी ने आसाराम जी के रक्षा में खड़े होकर गलती की, बोल दीजिए आप। नलिन ऐसा है पवन जी, आप सुबह से एक प्रयास या पूरी डिबेट में एक प्रयास में कि नलिन कोहली जी वही बोले जो आप चाहते हैं। देखिए कांग्रेस में हर व्यक्ति यही मानता है कि जो राहुल गांधी जी चाहते हैं वो सब लोग वही बोलेंगे, लेकिन नलिन कोहली कांग्रेस में नहीं होना, अरे जहां से भी हो, मेरा कहने का अर्थ है सुबह से थोड़ा ही बैठे इनके साथ तो डिबेट करना बड़ा डिबेट कर, आप अगले से पूछ लीजिए, मैं पवन जी के लेवल पे आकर डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक कोई बात नहीं, मैं अगले सेक्शन में आ जाऊंगा। अजय आलोक, अजय आलोक डरा हुआ कौन है, ममता बनर्जी डरी हुई है? नहीं उसके लिए आपको या केंद्र सरकार और बीजेपी डरे हुए, दोबारा जो मैंने जैदी साहब से पूछा उसके लिए ऊपर उठना पड़ेगा। अजय आलोक मैं मानता हूं, अरे ऐसा है रोहित जी, ममता बनर्जी अपने समय का इस्तेमाल कर रही है, कल तक का समय है, सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, लेकिन कांग्रेस की भूमिका मुझे अजीब लग रही है। राहुल गांधी को इतनी यंग एज में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, 14 में कुछ बोलते हैं कल समर्थन कर देते हैं, और मुझे तो सही में लग रहा है कि कांग्रेस की घड़ी उल्टी चल रही है,
पहले चार वर्ष 2014 से 18 तक लकवा मार गया था, मानने को तैयार नहीं थे कि विपक्ष में आ चुके हैं और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। हम समझा समझा के थक गए जब हम साथ में थे कि कुछ नैरेटिव ढूंढिए। अब जब नैरेटिव ढूंढ लिया तो ऐसा नैरेटिव ढूंढ लिया कि मान चुके हैं कि अब वापस कभी सत्ता में आने वाले नहीं है, इसलिए इसी तरह से बात करते रहो कि सीबीआई जो कर रही है गलत कर रही है, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, आरबीआई जो कर रही है गलत कर रही है। अरे भाई साहब, कल को सत्ता में आ सकते हैं आप। अगर आपके रहते हुए सीबीआई में ये कांड हो जाता तो क्या ये देश के लिए सही होता? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। मैं तो मानता हूं 60 वर्ष तक इस देश पे आपने राज किया है, क्या जो आज हो रहा है सीबीआई के साथ, ममता दीदी के साथ, ये क्या ठीक है? सत्ता में आ रहे हैं हम, उसका समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या ठीक है? नहीं, राहुल गांधी ने जो समर्थन किया क्या ठीक है उसका? आप तरीके पे सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप तो संवैधानिक संस्था को वैल्यू ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे थे कि छिन्न भिन्न किया, छिन्न भिन्न नहीं है रोहित जी, आपने तो उसको नष्ट कर दिया बिल्कुल ऊपर से नीचे। रोहित जी, अगर सीबीआई ने हर इंस्टीट्यूशन को इस देश को कांग्रेस ने ही नष्ट किया है। ठीक, बोलिए पवन खेड़ा, जवाब दीजिए, फिर शांतनु जी से एक कॉमेंट लेते हैं जल्दी छोटा सा। बोलिए अजय आलोक जी, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने अभी भी कहा था कार्यक्रम के शुरू में, शायद आप तब नहीं आए होंगे या नहीं सुना होगा, शारदा घोटाले की जांच हम सब शुरू से बोलते आए हैं होनी चाहिए। जो छोटा निवेशक है उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उसका पैसा वापस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रक्रिया को छिन्न भिन्न कर दीजिए, आप राजनीतिकरण कर दीजिए, आपके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जा रहा या आपके खिलाफ बहुत बड़ी रैली हो रही है तो आप बदला ले लीजिए। अरे उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है, आप उसका भी सम्मान नहीं कर रहे। आप पर, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, मोदी जी के लिए कह रहा हूं। आपने तो अच्छी आज भविष्यवाणी कर दी कि कल को हम सरकार में आएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मोदी जी कम से कम नियमों का की अवहेलना करें ना करें, उन पर भरोसा आप लोगों को नहीं रहा। मोदी जी के तहत आने वाली एजेंसीज पर अब एजेंसीज को भी भरोसा नहीं रहा। आलोक वर्मा जी से जाकर पूछ लीजिए। ओके, समय हो रहा है खत्म। हम नहीं कह रहे आरबीआई गलत कर रही है, आरबीआई को गलत मान लिया है, आपको सत्ता में आना ही नहीं। गवर्नर छोड़ के चले गए, चलिए हम ब्रेक पर जा रहे हैं, दो गवर्नर छोड़ के चले गए। अमीर आदर्श दे दी 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। देखिए सीबीआई के जो पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर बैठे हैं उनके प्रतिक्रिया में दे रहा हूँ। सरकारी सर, ये सरकारी एजेंसियों का टकराव नहीं है बल्कि सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर हो रहा है अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए। अगर ये सरकारी एजेंसियों का कहीं टकराव होता तो उसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक हित आपस में टकरा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी ये इस्टेब्लिश करना चाहती है कि ममता बनर्जी एक विपक्ष की नेता है, बस इसने गिरो। तो ये बीजेपी आपको अपनी चिंता सताने लगी है कि ममता बनर्जी को अकेले नेता मान लेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सीबीआई को होता है तो पश्चिम बंगाल की पुलिस को क्या कहिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।